आचार्यों ने कहा है कि हमारे शरीर में एक अंगुल में 96 रोग होते हैं और सारा शरीर 84 अंगुल का होता है, और 84 अंगुल में का मतलब है कि एक एक अंगुल में 96 रोग हुए, तो आप काउंट कीजिए कि कितने रोग हमारे शरीर में होते हैं। और अपन देखें कि कुछ कुछ कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम स्वयं अपने शिथिलता के कारण से, अपनी जीभ लंपटता के कारण से, हम कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम बीमारियों को आमंत्रण करते हैं और वो बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जो असाध्य रूप असाध्य बीमारी का रूप ले लेती हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है कोरोना वायरस, जो कि अपन देखें चीन में, चीन की धरती पर, जो कि पूरे वर्ल्ड में भारत के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या में कोई देश है तो वो चाइना है। चाइना जहां पर आबादी भारत से 1.5 गुनी ज्यादा है, अगर भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है तो चीन की आबादी लगभग 2 अरब के समथिंग है। और वहां पर अभी अपन देखें कि ऐसी महामारी फैली है जिसने सारे वर्ल्ड में अपना वायरस फैला दिया है, और एक ऐसी बीमारी जिसका चाइना में अभी कोई इलाज नहीं निकल पाया है, और वो ऐसी बीमारी है जहां पर कम से कम 50,000 लोगों से ज्यादा ना चाइना में लोग मरे हुए हैं। ये बात अलग है कि सरकार ने पूरे सही आंकड़े हमको नहीं दिए कि लोग अपराध अपनी ना मच जाए, और वहां पर हम देखें कि बीमारियों के लिए अस्पताल छोटे पड़ गए, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह ही नहीं है, इसीलिए चाइना में अलग से स्टेडियम को ही अस्पताल बनाया गया है, कई जगह अलग अलग अस्पताल खोले गए हैं, पर फिर भी उन मरीजों का कोई इलाज नहीं है। और इसीलिए वहां पर कई बार गुप्त गुप्त खबरें ये हैं कि वहां मरीजों को मारा जा रहा है, उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जहर के जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए, और उनको जलाया जा रहा है। इसलिए जलाया जा रहा है कि वो अगर जमीन में गाड़ेंगे तो फिर भी वो बीमारी हमारे पास फैल ना जाए, ना इतना डर है। और वह बीमारी उत्पन्न कैसे हुई, तो आज अपन देखें कि हम लोग इतने नरभक्षी हो गए, आज हम लोगों की अंदर की मानवता खत्म हो गई, आज हमारे अंदर बैठी हुई इंसानियत खत्म हो गई, कि आज हमें अपने मुंह के टेस्ट के लिए, अपनी जिह्वा के शौक के लिए, हम सर्प जिस एक सर्प को देखकर व्यक्ति डर जाता है, भागता है, और वहीं पर चाइना में उस सर्प को खा जाते हैं। और सर्प ही नहीं, चाहे वो वहां पर सुअर हो, वहां पर डॉगी हो, वहां पर घोड़ा हो, वहां पर चूहे हो, वहां पर बिल्लियां हो, वहां पर कौआ हो, वहां पर चमगादड़ हो, वहां पर छोटे छोटे कीड़े हो, हर चीज को वहां पर खाया जाता है, वहां पर सूप पिया जाता है। और यही कारण है कि वहां पर एक बार चमगादड़ के मांस को खाने से ये कोरोना नाम का वायरस उत्पन्न हुआ, और एक व्यक्ति को जब उत्पन्न हुआ तो एक व्यक्ति से वह वायरस बढ़ते 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 वह वायरस आज कम से कम 50,000 लोगों तक फैल चुका है, जिसकी कोई। अब उस चाइना में कोरोना वायरस के फैलने से सारे चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई, चला वह डाउन हो गई, और उसका असर इतना पड़ा कि वहां पर अमेरिका हो, भारत हो, जो सेंसेक्स होता है वो भी नीचे आ गया, सोने का भाव कहां से कहां पहुंच गया, वहां चाइना में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे कर्फ्यू की स्थिति होती है ऐसी उस वायरस की स्थिति हो चुकी है कि व्यक्ति अपनी जान की रक्षा करने के लिए घर से निकलना बंद कर दिया, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इतना वायरस फैल गया है। और वह वायरस अभी तक तो चाइना में था, कितने देशों ने कोरोना से बचने के लिए चीन में जाने वाली कितनी हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी थी, कितने देशों ने अपने चाइना से आने वाले व्यक्तियों की जांच करने के बाद एंट्री करवाई थी, पर फिर भी कितने लोग चाइना से उस वायरस को लेकर के भारत में आ चुके। और आज अपन देखें दिल्ली में, आगरा में, ग्वालियर में,
है ना, कम से कम 16 मरीज भारत में आ चुके हैं, है ना, और एक व्यक्ति 12 व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अगर किसी को वायरस है तो एक व्यक्ति को अगर वायरस है तो वह व्यक्ति का छींकता भी है, खांसी भी करता है, हाथ मिलाता है ना, तो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, उससे भी कोरोना वायरस फैल रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अगर छींके भी तो अपने साथ रुमाल रखें, उस रुमाल में छींकें, अगर आप कमरे में भी छींकते हो तो उस वायरस पूरे कमरे में फैल जाता है और उस कमरे में यदि जो भी बैठा होगा वो कोरोना उसको प्रभावित कर लेता है। इसलिए बचने की आवश्यकता है, हम छींकें खांसें फिर भी क्या करें, अपने कपड़े एक कपड़ा रखें, उस कपड़े में उसको ले लें और हाथ धोएं। कहा गया है एक दिन में बार बार हाथ धो, साबुन से हैंड वॉश करो, जिससे कि कोरोना आपको प्रभावित ना कर पाए। इतनी खतरनाक बीमारी और वह भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत आज सारे वर्ल्ड को याद आ रहा है कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमें शाकाहार अपनाना चाहिए, हमें किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिन जीवों को भी एक जीने का अधिकार है, जिन जीवों को घूमने का अधिकार है, हम उन जीवों को खा जाते हैं ना। और आज प्रकृति जब तक देखती रही देखा, जब अति होती है वहां नियम से इति होती है। और आज अपन देखें सारा चाइना जो नरभक्षी था, मांसाहारी था, नॉन वेज के बिना उनका पेट नहीं भरता था, आज वह चाइना बार बार कह रहा है शाकाहारी खाओ। और आज चाइना में कोई व्यक्ति मांसाहार खाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर ये महामारी बीमारी फैल चुकी है। और आज अपन देखें चाइना के सारे काम ठप पड़े हुए हैं, सारे काम बंद पड़े हुए हैं, है ना, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे चाइना में बनने वाला सामान हो, क्योंकि सारे मार्केट बंद हैं। वहां पर कोई कंपनियों में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी वर्कर, कोई भी इंजीनियर वहां पर ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बीमारी इतनी फैल चुकी है। इसलिए सोचें, समझें और समझ करके इसको ये ध्यान रखें, ये ना सोचें कि चाइना में है ये बीमारी, धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति अगर लेके आ रहा है तो उससे देश प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें, चाइना जैसा विकसित देश जहां पर एक से एक टेक्नोलॉजी है, पर वो भी इस कोरोना से बच नहीं पा रहे हैं, कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं, सोचो हमारे भारत में क्या होगा। इसलिए हर नागरिक को बचने की आवश्यकता है। और अगर हमारे भारत में भी जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं, वो कहते हैं मछली खाएंगे ना, अंडे खाएंगे और जीवों का मांस खाएंगे, तो चाइना का हाल देख लेना, चाइना के हाल को देख करके अपने परिवार की बेटी को देख लेना, माँ को देख लेना, पिताजी को, भाई बहन बच्चों को देख लेना कि तुम्हें भी उनकी जरूरत है। इसलिए दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इसलिए सब लोग ध्यान रखें, कोरोना से बचें, कोरोना से बचाएं देश को भी, समाज को भी, परिवार को भी और स्वयं को भी, जिससे कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे पतन का कारण ना बन जाए। तो इसे ध्यान रखें, कोरोना 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 ये बीमारी, जहां पर देखेंगे, अगर आप YouTube देखेंगे, न्यूज चैनल देखेंगे, तो आप देखेंगे कोरोना का इतना आतंक फैल गया है, इतना आतंक तो आतंकवादियों का भी नहीं है, इतना आतंक तो नक्सलवादियों का भी नहीं है, जितना आतंक आज कोरोना बीमारी वायरस का है। इसलिए हम सब ध्यान रखें, उसका एक ही इलाज है, खूब धूप लें, छत पर जरूर बैठें, 15 मिनट की धूप प्रतिदिन धूप में बैठ करके अपने शरीर को धूप जरूर दें, सनबाथ जरूर करें ना, क्योंकि ये इस बीमारी से बचने का एक अमोघ शस्त्र है धूप, है ना, विटामिन डी, इसलिए उससे बचने का एक तरीका है। दूसरा, हम मांसाहार को ना अपनाएं, किसी का झूठा ना खाएं, किसी को स्पर्श ना करें, इन सब बातों का ध्यान रखें, जिससे आपकी और आपके आत्मा की और आपके परिवार की रक्षा हो सके। ध्यान रखें, सबके लिए मेरा आशीर्वाद।